testing is also conducted. पहली बात तो हमारे भारत को G20 का प्रेसिडेंसी मिला है, इससे हम बहुत गर्वित है और बच्चों को इसके बारे में पढ़ने का एक मौका मिला है, ये भी बहुत प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा लगा। और G20 के बारे में थोड़ा बहुत हमें जानने को मिला। पहली बात तो वो एक प्रीमियर फोरम है इकोनॉमिक मैटर्स को डिस्कस करने के लिए, और उसके बाद डिजिटल इंडिया को वो और भी थोड़ा डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम हुआ है। आम स्कूल रे G20 पाई बहुत सारा आयोजन होती, स्कूल रे इवेंट सब आयोजन होती, साइक्लिंग होती, एसे कंपटीशन होती, एलोकेशन होती, आउ क्विज कंपटीशन होती, ऑनलाइन क्विज कंपटीशन होती, एगुरा सब आम स्कूल रे बढ़ावा दिया होउची G20 को। आउ एवं मु एंड आम साथी माने, आम स्कूल सदस्य माने, आम यूथ माने सबु समस्ते नके G20 विषय रे जो जानिया को पाउछंती, आ मु बहुत गर्व सहित कहउची एई वर्ष ढेंक इंडिया को आमर प्रेसिडेंसी दिया है G20 रा, मु बहुत खुशी अछि। आम विद्यालय रे चली आसुथबा एई एप्रिल 1 तारिख रु जन भागीदारी प्रोग्राम G20 प्रोग्राम जो थिरे कि बहुत पिला पार्टिसिपेट करुछंती, एथिरे 19टा देश एवं गोटे यूरोपियन यूनियन मिसी अछि। G20 शिक्षा वर्किंग ग्रुप रो तृतीय बैठक आम ओडिशा रो राजधानी भुवनेश्वर रे 26 एप्रिल रु 29 एप्रिल पर्यंत आयोजन करा जाउछि। या ओडिशा पई निश्चित भाव एक गर्व गौरव रो विषय, एवं आमे जानिचु जे आमर भारत सरकार G20 रो प्रेसिडेंसी सभापतित्व करुछि, एवं आम विद्यालय रे ए G20 उपलक्ष्य जन भागीदारी कार्यक्रम रे विभिन्न कार्यक्रम रो आयोजन करा जाउछि, एवं एई यार मुख्य उद्देश्य होउछि भविष्यतर कार्यपंथा। जन भागीदारी कार्यक्रम से हमारे बच्चे गर्व महसूस कर रहे हैं, उनमें ग्लोबल इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज, फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए अवेयरनेस आ रही है। हम विद्यालय में उत्कल दिवस के साथ जन भागीदारी कार्यक्रम उत्साह के साथ मना रहे हैं। हमने प्रभात फेरी, योगा प्रोग्राम, नारा लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और विभिन्न कार्यक्रम विद्यालय में कराए हैं। हमारे बच्चे जन भागीदारी कार्यक्रम को लेकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे की ओर विकास कर रहे हैं।